हेलो नमस्कार दोस्तों, 21 दिसंबर 2019 की प्रीलिम्स चैप्टर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ की तरफ। पहली जो न्यूज़ आई है वो आई है साहित्य एकेडमी अवार्ड को लेके। न्यूज़ ये आई है कि साहित्य एकेडमी अवार्ड है उनको भी अनाउंस है वो किया गया है। तो देखो हमें कुछ फैक्ट है वो यहाँ पर कवर करेंगे। पहली बात तो है कि साहित्य एकेडमी अवार्ड है वो किस लिए दिए जाते हैं, कौन सी लैंग्वेज है, वो सारी चीज़ें एक एक फैक्ट हम कवर कर रहे हैं। साहित्य एकेडमी अवार्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेज मेंशन की गई हैं उन लैंग्वेज में किसी ने भी अच्छा काम किया है उनके लिटरेचर को लेके उसको इस अवार्ड से हर साल सम्मानित है वो किया जाता है। इन अवार्ड की जो स्टार्टिंग थी वो हुई थी 1954 से, मतलब कि 1954 से साहित्य एकेडमी अवार्ड है वो दिए जाते हैं। किसी ने भी हमारे 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेज हैं 23 लैंग्वेज हैं उनको लेके अच्छा काम किया है उनके लिटरेचर को लेके उनको इस अवार्ड से सम्मानित है वो किया जाता है। एनुअली अवार्ड हैं वो दिए जाते हैं किसको, ये ध्यान रखना, इंडियन राइटर होते हैं जिन्होंने अपना लिटरेचर फील्ड में अद्वितीय योगदान दिया है उनको इस अवार्ड से सम्मानित है वो किया जाता है। उनको जैसे यहाँ पे दिया गया कि एक शॉल दिया जाता है, इसी के साथ उनको 1 लाख रुपीज़ का चेक है वो दिया जाता है और एक कॉपर की जो प्लेट है सिंबल के फॉर्म में वो उनको दी जाती है कुछ इस फॉर्म में। तो ये आप ध्यान रखना कि साहित्य अकेडमी अवार्ड वो है क्या, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लिटरेचर या फिर हम बात करें साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है ये, तो आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज़ के बारे में। देखो गांधी सिटीजन एजुकेशन जो प्राइज़ है ये दिया जाता है पुर्तगाल के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पुर्तगाल ने इस बार गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज़ है उसको अनाउंस है वो किया है। किसके लिए डेडिकेटेड है यह डेडिकेट होता है सोशल वेलफेयर के लिए, मतलब जिसने भी सोशल वेलफेयर के लिए अच्छा काम किया होता है उसको गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज़ से नवाजा है वो जाता है। एनुअली अवार्ड है वो दिया जाता है। पहला जो अवार्ड था वो दिया गया था एनिमल वेलफेयर के एरिया में, इसकी जब स्टार्टिंग की गई थी तब। तो एक छोटा सा फैक्ट यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि किसके लिए है, थोड़ा हटके है ये, तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है पिनाका रॉकेट सिस्टम या पिनाका रॉकेट लॉन्चर के बारे में। देखो पिनाका है वो एक हमारा रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, आपको दिख रही होंगी यहाँ पे रॉकेट हैं 12, इनको जो लॉन्च करने का जो आपको सिस्टम दिख रहा है ये वाला, इसको कहा जाता है पिनाका। तो इसके डिफरेंट वर्जन है वो अभी तैयार किए गए हैं DRDO के द्वारा, जैसे एक तो पिनाका है फिर पिनाका 2.0 है, इस तरीके से अलग अलग वर्जन तैयार किए गए हैं। तो यूपीएससी एक तो ये पूछ सकते हैं कि पिनाका क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है पिनाका है वो एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, मतलब रॉकेट को लॉन्च करने के लिए जो सिस्टम यूज किया जाता है उसे कहते हैं रॉकेट लॉन्चर। न्यूज़ अभी आई है कि ये इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है और इसकी अभी एक टेस्टिंग की गई है वो वापस से पोखरण के जो राजस्थान के डेजर्ट एरिया है वहाँ पर सक्सेसफुली। तो हमें ध्यान रखना है कि पिनाका है क्या, डेवलप किया गया है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का उसके द्वारा पिनाका को डेवलप किया गया है। पिनाका जो नाम है वो आता है लॉर्ड शिवा का जो धनु जो त्रिशूल था वहाँ से इसकी शुरुआत है, या उस नाम से इसकी स्टार्टिंग है वो की गई है। इसकी जो इनिशियल रेंज थी इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की वो थी स्टार्टिंग में 30 से 40 किलोमीटर, बट बाद में इसका एक 2.0 वर्जन या आप बोल सकते हो कि पिनाका Mark 2 वर्जन भी लॉन्च किया गया था, उसकी रेंज थी वो हो गई थी 70 से 80 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना पिनाका है क्या, क्या इसकी रेंज है, कब इसको DRDO ने डेवलप है वो किया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में। देखो जो ऑपरेशन ट्विस्ट है ना वो मेनली USA का जो फेडरल बैंक है वहाँ का जो रिजर्व बैंक है एक तरीके से जो फेडरल बैंक है उसके द्वारा स्टार्ट की गई थी इसकी 2011 में इस कॉन्सेप्ट की ऑपरेशन ट्विस्ट। इसमें होता क्या है कि जो वहाँ का सेंट्रल USA का जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व है वो क्या करता है, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज वगैरह होती हैं सिक्योरिटी या बॉन्ड होती हैं उनको परचेज करता है या फिर उनको सेल करता है, इस तरीके से मतलब मार्केट में जो पैसे का इन्फ्लुएंस होता है लिक्विडिटी होती है उसको मैनेज है वो किया जाता है। तो उसी तर्ज पे अभी इंडिया की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है RBI है वो भी ये देख रहा है कि भाई हम भी ऑपरेशन ट्विस्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो ध्यान रखना RBI है वो भी अभी US के तरीके से ही ऑपरेशन ट्विस्ट है वो स्टार्ट कर रहा है, यानी कि इंडिया में भी ऑपरेशन ट्विस्ट है वो लॉन्च किया जा रहा है। किस लिए, इसका बेनिफिट ये होगा कि जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट है यानी कि जो रेपो रेट है इन सबको कम है वो किया जा सकती है, क्योंकि आपको पता है कि अभी हमारा देश है वो काफ़ी मंदी के दौर में गुजर रहा है और ऐसे में मार्केट में पैसे का इन्फ्लुएंस बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो RBI क्या करने वाला है यहाँ पे, RBI अभी ये करेगा कि गवर्नमेंट के जो भी बॉन्ड है उनको लॉन्ग टर्म के जो बॉन्ड है उनको परचेज करेगा। अब देखो अगर ऑब्वियसली RBI है बैंक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड परचेज करने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि 2019 में वो बॉन्ड 2029 में जो बॉन्ड मैच्योर होंगे वो RBI खरीदने वाला है गवर्नमेंट से, इंटरेस्ट रेट भी दी गई है कि 6.45 की जो रेट है वो रहेगी, मतलब
आरबीआई अगर खरीद रहा है तो इसका मतलब आरबीआई पैसे देगा गवर्नमेंट को। तो अगर आरबीआई गवर्नमेंट को पैसे देगा बॉन्ड खरीदने के बदले, इसका मतलब गवर्नमेंट उन पैसों को मार्केट में इन्वेस्ट करेगी, तो इसका मतलब मार्केट में लिक्विडिटी है वो बढ़ने वाली है। तो अगर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, इसी के साथ और बेनिफिट क्या होने वाला है, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि हमारे देश में जो इकोनॉमिक की जो हालत डाउन आ रही है वो आगे या ऊपर है, वो आगे धीरे धीरे उभरने लग जाएगी। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है वो चलता है। इसी के साथ इसमें जो शॉर्ट टर्म के बॉन्ड वगैरह होते हैं उनको बेचा भी जाता है आरबीआई के द्वारा, ताकि मार्केट में जो पैसे का इन्फ्लुएंस है उसको रेगुलेट है, मॉनिटर है वो किया जा सके। तो ध्यान रखना, ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक है वो लॉन्ग टर्म के जो बॉन्ड होते हैं उनको तो खरीदता है, और शॉर्ट टर्म के बॉन्डों को सेल है वो करता है। मतलब परचेज एंड सेल दोनों का काम यहाँ पे साथ साथ चलता है। किस लिए? ताकि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है उनको कम है वो किया जा सके, और मार्केट में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट है वो किया जा सके। इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस है वो रहता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के बारे में। देखो, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स है ना, वो एक ग्लोबल पार्टनरशिप है एक तरीके की। ये क्या काम करती है? यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन की जो सेक्रेटेरिएट है, इनको आपस में एक साथ लेके आती है, और ऑल ओवर वर्ल्ड की जो भी कंट्री यूनाइटेड नेशन की मेंबर हैं उनसे आह्वान या रिक्वेस्ट की जाती है एक तरीके से, कि भी आप अपनी फोर्सेज को भेजिए और जिन भी एरिया में अशांति है वर्ल्ड में, वहाँ पे पीस को इस्टेब्लिश किया जा सके। मतलब डिफरेंट कंट्री हैं वो यूनाइटेड नेशन के लेके अपनी कुछ आर्म फोर्स हैं वो भेजती हैं, और जिस भी एरिया में जरूरत होती है वहाँ पर पीस को इस्टेब्लिश है वो किया जाता है। न्यूज़ देखो अभी आई थी कि जो साउथ सूडान है ना, वहाँ पे 2011 से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है वो चल रहा था, तो इंडिया ने अपनी बहुत बड़ी मात्रा में पीस कीपिंग जो ट्रूप्स हैं फोर्सेज हैं वो भेजी हुई थी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के तहत। तो अभी उनको अवार्ड से नवाजा गया या पुरस्कृत किया जा रहा है कि भाई इंडिया ने बहुत अच्छा काम है वो किया है। अब हम ये देख लेते हैं इसका काम क्या क्या है, कब से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। देखो, यूनाइटेड नेशन जो पीस कीपिंग फोर्स है ना, ये सेट की गई थी 1948 में। पहला जो इनका मिशन था वो था 1948 में, जब अरब इजरायली वार हुआ था। तो आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई थी उस दौरान। जो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स, मतलब डिफरेंट कंट्रीज अपनी तरफ से आर्म फोर्स हैं वो भेजती हैं यूनाइटेड नेशन के लिए, कि भाई वो उनके थ्रू जाके आपस में शांति है वो स्थापित करें इस एरिया में। तो डिफरेंट कंट्रीज़ की फोर्सेज गई थी और उन्होंने अरब इजरायली वार के दौरान पीस को या शांति को स्थापित है सुनिश्चित है वो किया था। इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन में डिफरेंट कंट्रीज जो पीस कीपिंग फोर्सेज भेजती हैं, इसमें इंडिया है वो नंबर वन पे है। मतलब इंडिया है वो लार्जेस्ट ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटर है, किसमें? यूनाइटेड नेशन के जो मिशंस होते हैं पीस कीपिंग को लेके। तो ये ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा आर्म फोर्स है वो इंडिया भेजता है पीस कीपिंग के लिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, वो कंट्री के एरिया में ही होते हैं। मतलब कोई भी कंट्री होती है उसकी टेरिटरी के अंदर ही होते हैं, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है। बनाए क्यों जाते हैं? कि इसलिए बनाए जाते हैं कि जहाँ भी बनाए जा रहे हो, जैसे एग्जाम्पल ये मान लो कि गुजरात में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया। मतलब क्या होगा कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया, जो एरिया बनाया गया है, इस जोन में बिजनेस को सेटअप करना काफ़ी इजी रहेगा, ट्रेड के जो लॉ वगैरह हैं वो काफ़ी इजी रहते हैं कंपेयर टू अदर कंट्री, मतलब कंपेयर टू इंडिया का जो अदर हिस्सा है वहाँ से। जैसे आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में बताऊँ, एक सेकेंड, हाँ, क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो एक बार वो देख लेते हैं। जैसे कि कोई भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई अपना बिजनेस सेटअप करता है तो उसके लिए ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट होता है, वो अलाउ होता है, बाकी इधर लोगों के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता, बट इनके लिए स्पेशल छूट होती है। इसी के साथ इनको टैक्सेस वगैरह में भी छूट मिलती है, इनको जो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स देना होता है कंपनी को उनमें भी इनको काफ़ी ज़्यादा छूट रहती है। सिंगल जो विंडो क्लियरेंस होती है वो रहती है स्टेट और सेंट्रल लेवल के ऊपर। तो मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं अगर कोई भी कंट्री है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो क्रिएट करती है। देखो, कुछ अगर हम बात करें, आज से 2 से 3 दशक पहले चाइना ने, और भी जो बाकी कंट्रीज़ हैं अगर हम बात करें एशिया में, तो चाइना ने काफ़ी ज़्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप किए हैं। इसीलिए वो इसलिए डेवलप किया कि भाई वहाँ पे अगर इस तरीके की, मतलब बिजनेस को सेटअप करना काफ़ी ईजी रहेगा, ज़्यादा लंबी प्रोसीजर नहीं रहेगी, तो उसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये रहेगा कि एक तो जो भी ट्रेड है, ट्रेड बैलेंस है वो बढ़ेगा, इसी के साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि अदर कंट्रीज़ हैं वो भी आके इन्वेस्ट करेंगे कि यार यहाँ पे नॉर्म्स ईजी हैं, आपको टैक्सेस वगैरह भी बहुत कम देना पड़ रहा है, तो काफ़ी सारा बेनिफिट है वो रहेगा। इसके साथ जॉब भी बढ़ने वाली है और एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो भी इफेक्टिव तरीके से काम करेगा, इसलिए इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन को क्रिएट है वो किया जाता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ छोटा सा, ये मान लो कि कोयले को इंपोर्ट करना है इंडिया को, और कोयले के इंपोर्ट पे इंडिया ने लगा रखा है कि भाई आपको 10% इंपोर्ट ड्यूटी देनी है, सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं।
अगर कोई भी कंपनी है मान लो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सेटअप की गई है, तो अगर वो कोयले को इंपोर्ट करेगी तो उसको मान लो जितनी भी छूट दी गई है नॉर्म्स के हिसाब से, जैसे कि उसको भाई केवल 5% ही पे करना है, 10% नहीं करना, तो इस तरीके के बेनिफिट मिलते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है, जो भी नई कंपनी होती है वो सोचते हैं कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो एरिया बनाया गया है इसी एरिया में अपनी कंपनी को लगाते हैं, ताकि हमें काफ़ी ज़्यादा छूट मिलेगी, तो हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, लागत। अगर लागत कम होगी तो ऑब्वियसली उनको प्रॉफिट अच्छा खासा मिलेगा, तो वो कंपनी आराम से सर्वाइव है वो कर सकती है। तो यह स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट। बेनिफिट मैंने आपको बता दिया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं वहाँ पे मेनली ड्यूटी फ्री होता है इंपोर्ट वगैरह मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि सारा का सारा सामान ही आप फ्री इंपोर्ट कर सकते हो, कुछ कुछ पे लिमिट है वो रहती है। इसी के साथ ही उनको इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है कि पहले 5 साल उनको इनकम टैक्स नहीं पे करना है, उसके बाद में नेक्स्ट 5 ईयर में 50% पे करना होता है, फिर नेक्स्ट 5 ईयर में 50%। इस तरीके के अलग अलग बेनिफिट उनको कुछ प्रोवाइड हैं वो करवाए गए हैं। ये थी आज की हमारी डिस्कशन, अब हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आज साहित्य एकेडमी अवार्ड के बारे में जाना, जो कि इंडिया की जो भी एड शेड्यूल में लैंग्वेज मेंशन की गई है उनको लेके लिटरेचर में अद्वितीय कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। फिर हमने गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज़ के बारे में जाना। फिर हमने जो पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है इसके बारे में डिस्कस किया। साथ ही हमने ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में जाना। फिर हमने यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं उनके कॉन्सेप्ट को देखा। फिर हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं, क्या क्या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बेनिफिट होते हैं, उन चीज़ों को कवर किया। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।